नमस्कार दोस्तों, वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी पर हम बात करते हैं और जानते हैं कि वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो है, इससे कितना डिफरेंट है ये फ़ोन, डिस्काउंट किस तरीके से है और किस तरीके से बाय करना है और अदर ऑफर किस तरीके से है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे इंडिया तभी आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों वीवो वी ट्वेंटी फाइव सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो के बारे में, बिकॉज यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है और ये हम जानने वाले हैं कि वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो है, इससे ये फ़ोन कितना डिफरेंट है। मतलब अगर आपके पास वीवो का वी ट्वेंटी थ्री प्रो है तो आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए फिर नहीं, या फिर जो इस पर ऑफर्स है वो किस तरीके का है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो है, इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के बारे में आप गूगल से भी पता कर सकते हो, लेकिन जो अंदर की बात है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो है, इसका लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लेवल का है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ इस तरीके से है, काफ़ी कम बेजल्स दिया गया है और देने को मिलता है सेंटर टिनी पंच होल, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो है कर्व एमोलेड डिस्प्ले और पहले से कहीं ज़्यादा बेटर डिस्प्ले है यहाँ पर। तो बेजल्स काफ़ी कम है इसलिए फ़ोन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जो वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो था उसके अंदर देने को मिलता था कर्व डिस्प्ले जो कि आता है नॉच के साथ, आप यहाँ पर देख पाओगे। हालांकि मेरे पास भी ये फ़ोन है, देखने में ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन नॉच की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन नॉच होने की वजह से कैमरा सेटअप भी ज़्यादा अच्छा है वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें बैक लुक के बारे में, तो बैक लुक दोनों का अच्छा है, दोनों में आपको देने को मिलता है कलर चेंजिंग बैक पैनल। यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो है इसमें आपको देने को मिलता है कलर चेंजिंग का बैक पैनल जो कि स्काई ब्लू से होता है ब्लू, जबकि वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो है इसमें आपको देने को मिलता है येल्लो कलर जो कि डिफरेंट लाइट कंडीशन में डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस कर पाता है। तो कलर चेंजिंग के मामले में दोनों फोन काफी अच्छे लेवल का है, लेकिन यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो है ये ओवरऑल देखने में काफी अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पर सेंटर टिनी पंच होल दिया गया है और डिस्प्ले भी काफी अच्छे लेवल का है। स्पेसिफिकेशन दोनों फोन का काफी सिमिलर है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको देने को मिलता है एमरेडा का डायमेंसिटी 1300 वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो में, जबकि वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो में दिया गया था मेरेटेक डायमेंसिटी 1200, और वही रैम टाइप और स्टोरेज टाइप दिया गया है और वेरिएंट भी वैसा ही है। ओवरऑल डिजाइन के मामले में वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो है इसमें बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज किया गया है। आपको यहाँ पर देने को मिलता है 4830 mAh के बैटरी जो कि आता है 66 वाट चार्ज सपोर्ट के साथ, जो कि काफ़ी बेटर हो जाता है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो पीछे का सेटअप है उसमें आपको देने को मिलता है AI ट्रिपल कैमरा, जहाँ पर 64 MP का मेन कैमरा है जो कि आता है OIS के साथ, उसके बाद 13 MP का अल्ट्रा वाइड है, फिर 2 MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है, और वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो में आपको देने को मिलता है 32 MP का सेल्फी कैमरा जो कहता है सेंटर टिनी पंच होल के साथ, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो कैमरा उतना कुछ है नहीं, बस यहाँ पर OIS को लाया गया है जिसको लेकर ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो के बारे में, तो इसका कैमरा सेटअप ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको देने को मिलता है 108 MP का कैमरा सेटअप जो कि विदाउट OIS के साथ आता है। उसका फ्रंट में दिया गया है 50+8 MP का सेल्फी कैमरा जो कि काफ़ी बेटर हो जाता है, बिकॉज वीवो का जो वी सीरीज है इसके अंदर कैमरा सेटअप खास करके फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर होता है। तो फ्रंट कैमरा के मामले में वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जबकि बैक कैमरा के मामले में वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और अदर जो परफॉर्मेंस का पार्ट है वो दोनों फ़ोन का काफ़ी सिमिलर ही होने वाला है। तो आपने अभी दोनों फ़ोन का कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ जाना जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था जानने के लिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि दोनों पर किस तरीके से वर्तमान समय में ऑफर मिलता है और कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा और अदर डिस्काउंट किस तरीके से है, इसके बारे में भी जानते हैं। अगर हम बात करें दोनों फ़ोन के प्राइसिंग और डिस्काउंट ऑफर के बारे में, तो यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो है इसका प्राइसिंग काफ़ी कम रखा गया है और डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छे लेवल का है। सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी फाइव है इसका पहला ब्रांड है जो कि है 8GB 128GB का, जिसका प्राइसिंग रखा गया है 36,000 जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद एक और ब्रांड है जो कि है 12GB 256GB का, इसका प्राइसिंग है 40,000। तो प्राइसिंग काफ़ी कम रखा गया है, बिकॉज जो वीवो का वी ट्वेंटी थ्री प्रो है इसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो के प्राइसिंग के बारे में, यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो है इसका पहला ब्रांड है 8GB 128GB का, जिसका प्राइसिंग है 39,000। उसके बाद एक और ब्रांड है जो कि है 12GB 256GB का, जिसका प्राइसिंग है 44,000। तो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो का। अगर हम डिस्काउंट की बात करें, तो यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो है इस पर अभी उतने अच्छे लेवल का डिस्काउंट नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर डिस्काउंट है लेकिन काफ़ी नॉर्मल तरीके का डिस्काउंट है। मतलब HDFC बैंक के साथ आपको मिलता है 1500 रुपये का डिस्काउंट, जो कि उतना कुछ खास नहीं है, और इस पर अभी एक्सचेंज बाउंस को भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो वीवो वी ट्वेंटी थ्री प्रो है इसका प्राइसिंग अभी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो के बारे में, तो इसका प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया हूँ
अब चलिए हम बात करते हैं कि इस पर डिस्काउंट किस तरीके से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो वीवो वी 25 प्रो है इसका भी प्री ऑर्डर होना स्टार्ट हो चुका है और इसका प्राइसिंग काफ़ी कम है। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ मिलता है HDFC बैंक के साथ डिस्काउंट जो कि है 3500 रुपये का, और इस डिस्काउंट को ऐड करने के बाद आप जो है वीवो वी 25 प्रो को 32,500 रुपये में बाय कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। और वीवो वी 25 प्रो है इस पर अभी एक्सचेंज बाउंस भी मिल रहा है जो कि नीचे मेंशन किया हुआ है 3000 का, मतलब अगर आपके पास कोई ओल्ड फोन है उसको एक्सचेंज करके अगर आप बाय करते हो वीवो वी 25 प्रो को तो आपको यहाँ मिलेगा 3000 का एक्सचेंज बाउंस, प्लस में एक्सचेंज के साथ आप यहाँ पर बैंक ऑफर को भी ले पाओगे। तो वीवो वी 25 प्रो है इस पर भी डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का है और प्राइसिंग भी काफ़ी कम है। अगर हम बात करें कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए तो दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बिकॉज देखने में ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा वीवो वी 25 प्रो, लेकिन जो कैमरा का सेटअप है खास करके जो फ्रंट कैमरा है वह वीवो वी 23 प्रो का ज़्यादा अच्छा है। आप जो यहाँ पर वीडियो देख पा रहे यह वीवो वी 23 प्रो का ही, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो वीवो वी 23 प्रो है इसका फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर है, बाकी अदर जो स्पेसिफिकेशन है वह वीवो वी 25 प्रो का ज़्यादा बेटर है।